हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, मॉक टेस्ट को कैसे दिया जाता है, कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट करके कैसे मॉक टेस्ट को लगाएं, कैसे करें, उसके साथ कैसा बिहेव करें, और क्या मॉक टेस्ट लगाने के बाद रिविज़न क्या करें, कैसे करें, और नोट्स बनानी चाहिए या नहीं मॉक टेस्ट की, तो ये सब बातें आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हों तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास भेज दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे इस वीडियो के माध्यम से या मेरे चैनल पर पड़े तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, और सीटेट हो गया, एसटेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम, एनी अदर एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए मैं एक बढ़िया सा प्लान बना के लेके आया हूँ। आप लोग अगर वैसा करेंगे तो आप लोगों के पास भाई आप लोगों को मॉक टेस्ट में 100% आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। और क्या कैसे रहती है ये सब चीज़ मैंने खुद ही प्रैक्टिकली रिविज़न करके मैंने खुद ये सब देखा है, तब आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ भाई। 100% जो मैं बता रहा हूँ वो 100% कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। ठीक दोस्तों जैसा कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट लगाने के बाद बस मॉक टेस्ट लगाते हैं और नंबर देख लेते हैं और बंद कर देते हैं, और ऐसा करते करते आप लोगों को एक महीना दो महीने हो गए हैं और आपको लगता है कि मेरा नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। भाई, नंबर इसलिए नहीं इंक्रीज़ हो रहा है कि आप लोग मॉक टेस्ट अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो उसको 1 घंटे का रिविज़न करो भाई। 1 घंटे का रिविज़न करने के बाद आप लोग देखेंगे कि हाँ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा इजी था, कौन सा इजी क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, कौन सा मॉडरेट क्वेश्चन मेरा मुझे नहीं आ पाया है जो आ सकता था, या कौन सा हार्ड क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है, उसको कैसे आगे वाले मॉक टेस्ट में कैसे उसको टैकल करें। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आप लोग मॉक टेस्ट देने के बाद उसको कम से कम 1 घंटे के आसपास, अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 1 घंटे के आसपास आप लोग उसको रिविज़न करिए, और उसके बाद फिर आप लोग ऐसे करते करते आप लोग अगर 15-20 दिन ऐसे कर लेंगे कि मॉक टेस्ट दें और उसका रिवीजन करें और जो क्वेश्चन ना आए हों उसको एक नोट्स बना के उसको आप लोग अपने हैंड राइटिंग में लिख लें, और फिर बाद में वो नोट्स दोहराते रहें, और फिर आगे आप लोग टेक्स्ट बुक पे या RWA पे किसी भी ऐप पे जाके आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो मैंने बताया है, अगर आप लोग ऐसा किए रहेंगे तो आप लोगों के नंबर 100% इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि भाई मैंने ऐसा करके देखा है और ऐसा मैंने अपने बहुत से दोस्तों को बताया है। भाई, मैं अभी प्रयागराज में रह रहा हूँ, प्रयागराज मीन्स अलाहाबाद में रह रहा हूँ, यहाँ मैंने बहुतों को बताया है और बहुतों ने मुझे भी ये सलाह दी है कि भाई ऐसे किया जाता है मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, मैंने जो बताया है, आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों के 100% नंबर इंक्रीज़ होंगे। दोस्तों, अभी मैं खुद ही UPSI का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट देता हूँ और ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ, और मेरे अभी SSC GD के फिजिकल भी लगे हुए हैं, और ये अभी पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मैं भाई BEd भी कर लिया हूँ और अभी CTET भी तैयारी चल रही है, तो उसके भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भाई डीमोटिवेट मत होया करिए, हमेशा मोटिवेट और बी पॉजिटिव रहा करके। जो मैं बताया हूँ भाई, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए भाई, कोई भी 100% जो भी मैं बताता हूँ 100% सही होता है, और आप लोग अगर ऐसा करके देखेंगे तो आपके भी नंबर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था। दोस्तों, आप लोग अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से रिविज़न करिए, मिलते हैं एक फिर से बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।